जय जगन्नाथ। प्रिय दर्शक बंधु, आम सिद्धार्थ भक्ति चैनल तरफ भक्ति सकाळ को आपण मानंकु स्वागत। दर्शक बंधु, यही महापुण्य तिथि अक्षय तृतीया दिन सत्ययुग प्रारंभ एवं अनेक मतरे अक्षय पात्र यही दिन मध्य सृष्टि बोली कहा जाए। अक्षय पात्र धरी माँ अन्नपूर्णा श्रीरामक भवन रे पदार्पण करिथिले बा माँ अन्नपूर्णा से स्थान रे पहुंची जाइथिबारु महाप्रभु श्रीरामक दरबार रे से दिनर जो परसुथिबा अन्न बा पात्र ता अक्षय हो जाइथिला। एई सब कथा को नहीं आमर आजिर प्रसंग अक्षय तृतीय रे अक्षय पात्र। त्रेता युगर कथा, एई त्रेता युगरे भगवान श्रीराम लंका जय करी सारी वैशाख मासरे अक्षय तृतीया दिन पितृश्राद्ध अनेक माने ग्रंथ मानक विभिन्न तिथिर निरूपण आसे। विशेष ग्रंथरे आमको मिलती अक्षय तृतीया दिन वैशाख श्राद्ध बा अक्षय तृतीया श्राद्ध दानादि कर्म करिबा उचित। तेणु श्राद्ध उद्देश्य रे भगवान श्रीराम समस्त ब्राह्मण मानकु एवं अड़ोशी पड़ोशी इत्यादि जिते राजपुरी समस्ते अयोध्यार समस्त निमंत्रण कर भोजन पर जड़े आसीगले ब्राह्मण बेश वृद्ध ब्राह्मण रूप से जड़े आसीगले। जोबले आसिले देखिले जड़े वृद्ध ब्राह्मण आसुँच ब्राह्मण तो समस्त आसुँच जड़े आउ जे वृद्ध ब्राह्मण आसुँच वृद्ध ब्राह्मण जनक एक स्वतंत्र रूपधारी आरंभ कर देले वेद पाठ इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानी ददे पदं समूढमस्य पां सुरेश्वाहा। समस्त जानीगले जने वैदिक ब्राह्मण ये जने साधारण ब्राह्मण नुहंति। अच्छा आपण बसंतु ताकु बसैले किंतु एक सुंदर कथा भगवान श्रीराम को यह अच्छपा हलानी जे ये हेउचंति शिवशंकर। शिवशंकर आसी वृद्ध ब्राह्मण बेसरे ठीक अच्छे ताकि डाकि नहीं गले घर भितर बसईदे प्रसाद सेवन करने सुना थाली रे प्रसाद अर्पण कले। सुना थाली रे भोजन कले स्वास्थ्य वृद्धि और ज्ञान वृद्धि हुए। रौप्य वस्त्र माने बासन कुसन रे थाली रे भोजन कले मानसिक शक्ति वृद्धि पाए। पित्तल बासन रे भोजन कले शरीर सौंदर्य हुए। कंसारे बल वृद्धि एवं उपकारी होइथाय। स्टील रे मानसिक विचलित तो हुए गोटे सुंदर कथा जहाँ रस बा सिल्वर रे बुद्धिहीनता एवं दुश्चिंता वृद्धि हुए। शंख पात्र रे कौनसी उपकार एवं पत्थर पात्र रे शांति मिले शक्ति वृद्धि हुए। ये हूँ बासन कुसन एथिरे खाद्य खाइले यही आमको मिलती आ श्रेष्ठ बासन हूँ कौन ना आमर कदमी पत्र तापर पद्म पत्र आवश्यक स्थले जे कि खली पत्र ये हूँ पत्रर ए शांति मिलता है। किंतु जेतु भगवान श्रीराम सुन थाली परसी दे भोजन लगला जितेबले भोजन लगला गंगाधर भगवान शिवशंकर गोटे ग्रास सबूक ग्रहण करदे आउना जितेबले लक्ष्मण परसिले आउना भरत शत्रुघ्न मिसिक परसिले शेष कौन गोटे गोटे भगवान श्रीराम जापारे जे एटी आउ ये शंकर भगवान को परसिकी भोजन दबा असंभव बाध्य किसी नक से अन्नपूर्णा को ध्यान कले। ओम बामे माणिक्य पात्र मधुर सवरित बिभ्रती पाणी पद्मे दिव्यौरन्न प्रफुन्ना धृतमणि वलये दक्षिणे स्वर्ण दर्बीम रक्तांगी तुंग पीन स्तन भर विलसद्धार भारं त्रिनेत्रां देवीं संपूर्ण चंद्र प्रतिनिधि वदना मन्नपूर्णां नमामि। अन्नपूर्णा को प्रार्थना करिवा एवं अन्नपूर्णा आसी पहुँची गले। जेतेबेले अन्नपूर्णा ठिया हो गले भगवान श्रीराम शेष को कहले अन्नपूर्णे सदा पूर्णे
शंकर प्राणवल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वर बांधव शिव भक्ताश्च स्वदेशो भुवनत्रयम्। हे माता, आपणक स्वामी को आपण ही भोजन करातु, आपण व्यतीत आपण पति को तृप्त कला भि कहारी शक्ति ना। माँ अन्नपूर्णा, माँ पार्वती टिके हसीदेले एवं जेतेबेले भरत परसिवाकु लागिले, लक्ष्मण परसिवाकु लागिले, माँ सेठी ठिया हेगले। जेते परसिले से पात्ररु आउ माने सरीबार ना नलानी, एवं भगवान को जेते से खाउतांदी सेते अन्न परसी दिया जाउथाए। भगवान शंकर चाहिले कहले ये हला केमिति, अच्छा आउ मुह को चाहिदेले, देखिले अन्नपूर्णा विराजमान विराजिता, कहले तुम्हें आसिल मु तृप्त हैली। हाउ जानीगले अन्नपूर्णा चलीगले, एवं सांगे सांगे से शंकर भगवान कहले अरे मते एथर धर, मते टिके सांगे मते उठा, एठु मुआ उठी पारुनी, माने पेटे खाई मुआ उठे अवस्था ना। उठेवाकु गले प्रथमे हनुमान, कहा जाए से पर्यंत हनुमान निजे जाणी नाहंती जे शंकर भगवान बोली, ये गोटे मत आसे। हनुमान गले उठेवाकु, कारण अंश ठारु अंशीकर बल जथेष्ट बेसी, ओजन मध्य अधिका, तेणु हनुमान उठेई पारि नाहंती। जेतेबेले न उठेई पारिले लक्ष्मण निजे शेषनाग से स्थानरु जेतेबेले उठि न पारुथिले तांकु उठेइछंती, उठेला परे तांकु विश्राम कक्ष को नेले एवं विश्राम करैबाकु पहुँचिले। विश्राम करैला परे शंकर भगवान कहले अरे मो हात मुह धोई दियो। अन्य पक्ष रे जेते ब्राह्मण सब बसथिले से पर्यंत के उठि नाहंती, जेतेबेले ब्राह्मण माने उठि नाहंती कुआ जाय सेठी ब्राह्मण माने जेतेबेले शंकर भगवान उठिगले ब्राह्मण माने मध्य उठिले, ब्राह्मण माने आशीर्वाद देगले, सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधितमस्तु मा विद्विषावहै ओम शांति शांति शांति। समस्ते शांति रे भोजन कले, क्षीणापत्र धरले चले। जेतेबेले माँ जानकी आसिले मुँह हाथ धोई देवाई, जल आणिले हाथ धोई देले, हाथ धोई साला परे तांको मुख धोइबाकु जेतेबेले जल देले मुखरे, सेतेबेले शंकरंक मुखरु जल जाई पड़िला जानकीको उपरे, अर्थ जो कुली कुलुगुंजा पानी से सबुजाक माँ जानकी एकदम ओदा ओदा होगा, परे माने देहरे पड़िला। किंतु माँ जानकी कहले जा हेउ मु बड़ भाग्यवती, आपणक उच्चिष्ट जल मो उपरे आज पड़िलारु मु निजकु महान भाग्यवती मन करुछि। शंकर भगवान आश्चर्य हेले, ठीक एतिकि बेले राम लक्ष्मण ताक शंकर भगवान पाद मचाळिबाकु लागिले, आ माँ जानकी बसी बिंचणारे बिंचिले। ए घटना किछि नुआ कथा नुहे, एथिरे आपण माने बहुत दर्शन यार पाइबे, कारण जेतेबेले श्रीवत्स ब्राह्मण भगवान विष्णु को पदाघात कले सेतेबेले तांको पाद आउसिबा, एवं अक्रूर आसिले भगवान रामकृष्ण तांको पाद माने मचाळि दबा, अक्रूर वीर तही उपर सोइला शांत होई राम गोविंद बेनिसोदर चापे चरण दुई चापे चरण दुई, अर्थात चरण चापिवा किसी बड़ कथा नुह। शंकर भगवान को सेवा कले राम लक्ष्मण, सेवा कर सारा पर शंकर भगवान उठिले कले मु बहु चेष्टा कली तुमको क्रोध मान दवापाई, अर्थात तुम्हें केमी विरक्ति प्रकाश कर, किंतु तुम्हें विरक्ति प्रकाश कलनी, कौन मत बर मगुच माग, किंतु तुम्हें विरक्ति प्रकाश नक द्वारा तुम श्राद्ध देवा और अक्षय तृतीयार जो पुण्य ता अक्षय रहा। कथाटी एटी कौन आसला, भगवान श्रीराम कहले प्रभु आमे जो श्राद्ध देलु बा दानपुण्य कलु यह तो दानपुण्य यार मोर कर्तव्य। प्रथम कथा श्राद्ध देवा दिन व्यक्ति बा श्राद्धकर्ता बा परिवार लोक मिथ्या कहती ना, कहारी उपरे क्रोध करिबा निषेध, कहारी पाकरे भोजन करिबा निषेध, दिन के दुई थर भोजन करिबा निषेध, माने जो माने श्राद्ध ताहले कौन हुए ना श्रद्धारु श्राद्ध, तांबुलादि मद्यपान करिबा निषेध, पान खाइबा निषेध श्राद्ध देवा समय रे, एगुड़िक सबू मानिकी चलिबा दरकार श्राद्ध समय रे, ताहले कौन हुए ना श्रद्धारु श्राद्ध हुए एवं श्राद्ध फलप्रसू हुए एवं से पुण्य अक्षय ही रही थाए। तेणु आमे रागिबू कौन पाई, भगवान शंकर कहले थर बर माग कौन मगुच ना कौन मागिबो, आपणों पाखरे बुढ़ा बलद,
ଆପଣଙ୍କ ଗଳାରେ ନାଗ, ଇଏ ତାପରେ ଆପଣ ଭସ୍ମ ଲେପନ, ତେଣୁ ଇଏ ସବୁକୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣ କ'ଣ ବା ଦେବେ, ଆମେ ବା କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଏସବୁ ନେଇକି କ'ଣ କରିବୁ। ଆପଣଙ୍କ ଚରଣରେ ଆମକୁ ସ୍ଥାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଚରଣରେ ଆମର ଭକ୍ତି ରହୁ, ଏତିକି ଆପଣ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ଶଙ୍କର କହିଲେ ତାହା ତ ନିଶ୍ଚିତ, କିନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି ମାଗ। ସେତିକି ବେଳେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମ କହିଲେ, ଆପଣ ମୋ ସଭାରେ ବ୍ୟାସ ହୋଇ ବା ମୋ ସଭାରେ ଆପଣ ଭଗବତ କଥାକୁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରାନ୍ତୁ। ଅନେକ ମତ ଆସେ ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ଭଗବତ କଥାକୁ ବହୁ ପୂର୍ବକାଳର ପୁରୁଣା ପୁରୁଣା କଥାକୁ ତାକୁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଯାହା କରେଇଥିଲେ କୁହାଯାଏ। ତାମିଲ ରାମାୟଣରେ, ଅନେକ ପ୍ରାନ୍ତୀୟ ରାମାୟଣରେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଆସେ। ତା ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବାରୁ ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଅକ୍ଷୟ ହୋଇ ରହିଛି। ସମସ୍ତେ ସେଇ ଅକ୍ଷୟ ପଦକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କାରଣ ପ୍ରଥମେ ଭାଗବତଙ୍କ ପ୍ରଥମ ବକ୍ତା ଅନନ୍ତ ଏବଂ ଶ୍ରୀରାମଚରିତ ମାନସର ପ୍ରଥମ ବକ୍ତା ଶଙ୍କର ଶୁଣାଉଛନ୍ତି ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ। ତେଣୁ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ଶିବଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଲେ ଶୁଭ ନାହିଁ। ତେଣୁ କରି ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ଯେତେବେଳେ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ ଯାତ୍ରା ହୁଏ, ସେଥିରେ ପଞ୍ଚ ପାଣ୍ଡବଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ମଦନ ମୋହନ, ଭୂଦେବୀ ଶ୍ରୀଦେବୀ ତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ପଞ୍ଚ ମହାଦେବ ସାଙ୍ଗରେ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ହେଉଛି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାର ଏକ ଅକ୍ଷୟ ପାତ୍ର। ସେଦିନ ମା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଅକ୍ଷୟ ପାତ୍ର ଧରି ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ସଭାରେ ଉପସ୍ଥାପନା ହେବା, ଏହା ହେଉଛି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାର ମଧ୍ୟ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କଥା ବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଅନେକ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ବା ଗ୍ରାମୀଣ ରାମାୟଣର ମଧ୍ୟ ଏହା ମିଳିଥାନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଭାରତବର୍ଷରେ 200 ମାନେ ରାମାୟଣ, ତଥା ଏ କଥାଟି ମଧ୍ୟ ମହେଶ୍ୱର ଉପପୁରାଣର କଥା। ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥିବ, କେଉଁଠି ଅଛି ପଣ୍ଡିତ ମହାଶୟ? ତାଙ୍କ ମନକୁ ମନ କହିଦେଉଛନ୍ତି। ମନକୁ ମନ କହିବାର ଶକ୍ତି ଏ ଅଧମର ନାହିଁ, ଏ ଅଧମର ମନକୁ ମନ କହିବାର ଶକ୍ତି ଥିଲେ ସେ ଏ ହେଉଛି ମହେଶ୍ୱର ଉପପୁରାଣର କଥା। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାରେ ଅକ୍ଷୟ ପାତ୍ର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମକୁ ତ ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି, ଏଇଠି ବିଦାୟ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବିଦାୟ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସୁନାମଧନ୍ୟା କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ନମିତା ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ କଣ୍ଠରେ ଆଜିର ବିଶେଷ ଭଜନ।
छके खटके जाऊ मोर लोटा साथिरे थाऊ भाव।